हे आई एम भावना भावना एंड यू आर एजुकेशन डायरी सो इस वीडियो में हम डी एल एल बी एग्जामेशन से रिलेटेड कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे जिन्हें आपको पता होना बहुत जरूरी है जैसे कि टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर हमें अटेम्प करने चाहिए जिससे आपका एडमिशन श्योर हो सके और इसके अलावा कितनी सीट्स होती हैं सो so, ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सके कि कितने क्वेश्चंस आप करें जिससे आपकी seat, जो आपकी सीट सीट जो एक seat है L. L. की टोटल सीट्स में वो आपके लिए ही रिजर्व रहे सर so, स्टार्ट करते हैं पहली चीज ये है कि की डीयूएलएल एंट्रेंस एग्जाम में टोटल हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं और उन हंड्रेड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे ही कट ऑफ अगर हम 2019 के कट ऑफ को देखें तो जनरल कैटेगरी की मिनिमम मिनिमम जो मार्क्स गए थे वो 220 और 222 के अराउंड गए थे। जिसके अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में 55 फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले को लास्ट एडमिशन दिया गया था और यही जो मार्जिन है ये ओबीसी क्वेश्चन ओबीसी कैटेगरी के लिए 162 आउट ऑफ 400 जनरल कैटेगरी के लिए जो मार्क्स थे वो 222 के अराउंड गए थे और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो लास्ट मिनिमम मार्क्स थे वो 162 के अराउंड गए थे तो आपको अपनी प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग करनी है कि आप कितने क्वेश्चन सही करें जिससे आपकी एडमिशन जो आपकी एक सीट है जिसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो आपके रिजर्व रहे तो आप उन्हीं क्वेश्चंस पे उतने क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कीजिए आपको करना तो पूरा पेपर है 400 मार्क्स का जो आपका पेपर है 100 क्वेश्चन है आपको वो पूरे का टारगेट लेके चलना है बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है आपको अपना एडमिशन सिक्योर करना है अब यही से अगर हम 200 2018 2018 का देखें तो 2018 में ये कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा गई थी तो 2017 में देखें तो हम 2017 की कट ऑफ टू के मुकाबले फिर ज्यादा थी तो ये जो कट ऑफ होती है कट ऑफ आपके क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर ही डिपेंड करती है सो so, इसीलिए आपको इस चीज पे पे फोकस करना कि आपको पे आपको मिनिमम एडमिशन चाहिए अपना हंड्रेड परसेंट देना है ताकि आप अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक के साथ एडमिशन और नेक्स्ट चीज क्या है डी ओ एल एल बी फैकल्टी ऑफ लॉ में सीट्स कितनी होती है तो यहाँ जनरल कैटेगरी के, के लिए अराउंड इलेवन हंड्रेड सीट्स होती है और ओबीसी कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए अराउंड सिक्स हंड्रेड होती है तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही करने हैं पहली चीज आप देखोगे आपका बेस्ट आपको कितना आता है सेकेंड चीज आप देखोगे अपनी अगर आपको ज्यादा नहीं आ रहे हैं और आपको लगा आपके नेगेटिव हो सकते हैं तो आपको ये भी चीज देखनी है कि आपकी कैटेगरी किसमें फॉल करती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स को अटेम्प्ट करना है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम एडमिशन लेने के लिए सेवेंटी क्वेश्चन तो करेक्ट करने ही चाहिए उसके बाद अगर आपको ज्यादा आते हैं वो आपका प्लस पॉइंट है नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आपको एडमिशन चाहिए अच्छी रैंक से क्योंकि यहाँ पे तीन कॉलेजेस हैं तो आपको मिनिमम सिक्सटी फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी क्वेश्चन करने हैं अब हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ लो डी में तीन कॉलेज हैं सबने सुना है कैंपस सेंटर 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 लो लो अब काफी लोगों के ये डाउट होते हैं कि कौन सा बेटर है किसमें एडमिशन ले किसमें एडमिशन ना लें तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो लोगों की प्रायोरिटी ज्यादातर तो सीएलसी होती है फिर एल वन फिर एल टू हालांकि अगर हम देखें तो तीनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस डिफरेंस है है वो टाइम का डिफरेंस तीनों में क्लासेस के टाइमिंग डिफरेंट है लो लो सेंटर सेंटर कैंपस एट थर्टी टू फोर थर्टी क्लासेस होती है और एल सी वन जो कि इवनिंग का है इसकी क्लासेस होती हैं दो बजे से सात बजे तक और एल सी टू जो मॉर्निंग का है जिसकी क्लासेस होती हैं दो मॉर्निंग में आठ बजे से दो बजे तक बस इन तीनों में यही डिफरेंस है बट लोगों की प्रायोरिटी पहले सी एल सी फॉर्म फिल करते हुए पहले सी एल सी एल सी वन एल सी टू होती है तो ये आपके ऊपर है जो टाइम आपको स्वीटेबल लगे आप उसको अपने फॉर्म में फिल कीजिए और ये जो सेंटर अलॉटमेंट लिस्ट होती है ये आपके रैंक के बेस पे आपके मार्क्स के बेस पे आपके एडमिशन के बाद आपकी काउंसलिंग के बाद प्रोवाइड की जाती है तो आपको पढ़ना कैसे है अपना हंड्रेड परसेंट देना है और सेकेंड चीज अगर आपको क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट लग रहा है या जो भी है तो आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए अपनी कैटेगरी को देख के और नेगेटिव मत कीजिए क्योंकि नेगेटिव आपको नीचे ला सकता है दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड कीप वोचिंग और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हमारे चैनल पे जो भी अपडेट्स होती हैं डी यू एल एल बी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो सभी आपको मिलती रहें हम आने आ, आगे आने वाली वीडियोस में भी डी यू एल एल बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू से लेकर जितनी आपको स्ट्रेटेजी या जिस तरह से आपको पेपर करना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर वीडियोज लाते रहेंगे सो थैंक्स फॉर